मैं हूं युयुत्सु, था कौरव, हूं कौरव ही, पर लड़ा उस पक्ष से जो था विरोधी। काट डाले उन्होंने मेरे 100 भाई, उनके रक्त में था शामिल मैं भी। कहीं ना कहीं अवश्य नहीं जाना चाहता था मैं अपनों के विरुद्ध। बेशक दुर्योधन ने कभी नहीं माना मुझे अपना भाई। मेरी उत्पत्ति का कारण अंधे महाराज धृतराष्ट्र की वासना, पर था वह कौरव, हूं कौरव। बेशक दुर्योधन का रह रहकर करना अपमान, देता तनाव नसों को, पर औरों का स्नेह देता अनुभव कि मैं हूं उनमें ही अपनों का झंडा उठा है, धारण कर अस्त्र शस्त्र उठा लिए थे मैंने भी कदम रक्त सनी रणभूमि। पर युधिष्ठर, धर्मराज युधिष्ठर की युद्ध का बिगुल बजने से पहले की गई वो घोषणा कि यह युद्ध धर्म और अधर्म का, कौरव पक्ष से जो भी धर्म का साथ देना चाहता है उसका है स्वागत, मैंने भी धर्म के आश्वासन पे तोड़ दिया धर्म की बेड़ियां, उड़ा दिया इस पक्ष। मुझे था विश्वास मैं धर्म के साथ, मैं था आसक्त कृष्ण की भक्ति में, वो थे प्रभु, उनसे यह उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि वो करेंगे कपट। और जिसे मैं मानता था प्रभु वो था व्यस्त सफल बनाने अपनी ही कूटनीति, अपनों को छोड़ अपनों से युद्ध रक्तपात। लेकिन मुझे था विश्वास मैं हूं साथ सत्य, लेकिन छल कपट वहां भी यहां भी, मान मर्यादा ना उन्होंने निभाई ना इन्होंने, सारे नियम कट घरे में रक्त के प्यासे जीवे लपलपाते विचरते थे वहां भी यहां भी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि हुई रक्त से लाल, जिन्होंने निभाए नियम हुए प्राप्त असम्य मृत्यु को, चाहे थे इस पक्ष से या उस पक्ष से। और जिसे मैं मारता रहा प्रभु वो था व्यस्त सफल बनाने अपनी ही कूटनीति, हुआ मोहभंग थके हारे बोझिल कदम जब उठे अपनों की तरफ तो बहुत देर हो चुकी थी। नगर द्वार खुलते ही नागरिक ऐसे भागे मानो हुआ हुआ आगमन किसी विशाल काय शैतान दैत्य का। सत्य क्या, सत्य ही मेरे हाथ सने हैं अपनों के ही रक्त से, हो आत्म गिलानी का शिकार। जब मैं पहुंचा माता गांधारी के सुमुख तो मेरे दिल को भेदते हुए उन्होंने पूछा था प्रश्न विदुर को रख समक्ष, पूछो विदुर क्यों आया है। तब मेरी टांगों से मानो निकल गए थे श्वास,
पर गलत नहीं थी माता गांधारी। अपने 99 पुत्रों के शवों की प्रतीक्षा रत और दुर्योधन का कुशल जानने के लिए बेचैन भोग रही थी वो धर्म अधर्म सब शून्य। सब थे कृष्ण की चाल के मोहरे जिसे कहते थे सभी प्रभु। अंधे महाराज के विरुद्ध अंध भक्ति उकसा रही थी और वो प्रभु कर रहा था वो सब जो था चाहता। वर्चस्व मैं चाहता था माता गांधारी को बताना कि मैं आया हूं उनकी ही शरण में, आया हूं उनकी ममता की छाओ में, जिन्होंने दासी का पुत्र होकर भी सदा मुझे दिया अपनों सा स्नेह। मैं आया था करने प्रायश्चित, टूटा विश्वास हुआ मोहभंग कृष्ण के सम्मोहन का, जो किसी को भी अपना बनाने का रखता है हुनर। ये युद्ध अंधकार का पर्याय तबाही के दृश्य करते हैं प्रमाणित। हुआ है मौत का तांडव सन्नाटे को चीरती हुई कोई भी आवाज, लगता है बिगुल बजने वाला है संकेत। प्रेतात्माएं हो रक्त की प्यासी, कर धारण चीर गिद्धों का रूप, विचरने लगी है आकाश में ठीक रणभूमि के ऊपर। बच्चों औरतों की चित्कार बढ़ाने लगी उनका हौसला, पर था मुझे विश्वास वो बचा लेगा हम सबको, क्योंकि वो है प्रभु। पर नहीं समझ आई किसी को भी उसकी कूटनीति। उसने किया वरन जो भी हुआ पाप महापाप, उसने कहा वो ही भोगेगा उसकी पीड़ा, और कर दिया सभी को मुक्त। माता पुत्र हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो, कहकर उसने कर लिया स्वीकार माता गांधारी कष्टा। जो दिया था उसने दुर्योधन की मृत्यु, टूटी आस नहीं है विश्वास, कहां बचाएगा वो जो खुद है शापित। डर आतंक रहता है हर सांस लेते, ढूंढ रहे हैं वो जिनके अपनों के रक्त से खेला हूं मैं रणभूमि में। वो देखो वो रक्त का प्यासा लिए हाथ में भाला आ रहा है यही देने मुझे मृत्यु, कहता है बदला चाहता है। मैं हूं खड़ा कटघरे में, शायद मौत ही है समाधान मेरी पीड़ाओं का।